सारी चीजें एनकम्पास कर दी, इतना तो हमने कभी भी नहीं बताया, ठीक है। इंटरव्यूज पे इफ आई कैन से समथिंग, बस दिस विल बी द लास्ट एंड देन वी विल रैप रैप अप, ठीक है। आज के दिन पे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर ऑफलाइन, ठीक है, यू आर गोइंग देयर। तो कैसे होता है, फर्स्ट थिंग आपको अपना जो पंक्चुअलिटी है, यू हैव टू गो अर्ली। एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू का एग्जाम्पल लेते हैं, आप पहले जाओ, पहले इंटरव्यू दो। हमेशा स्टार्टिंग में कोई भी इंटरव्यूअर रहेगा, ही विल बी विद फ्रेश माइंड, अच्छे से इंटरव्यू लेगा, ठीक है। और अगर आप लेट जाते हो ना, तो वो एक इतना नेगेटिव वो डालता है ना कि आपको सीधा भगा दिया जाएगा सेंटर से, और ये हो भी चुका है कुछ बच्चों के साथ, इसलिए बता रहा हूँ। तो आप टाइम पे जा रहे हो, फिर गया आप मस्त उधर वेल ड्रेस्ड होके जा रहे हो, सब एक एक पार्ट करके आ रहा हूँ, आपके ग्रूमिंग के ऊपर आता हूँ, ठीक है। आप बढ़िया सा प्रॉपर आयरन शर्ट पहन के जा रहे हो, टाई लगा के जा रहे हो, अच्छा टाई, प्लेन टाई, सॉलिड कलर टाई, ये नहीं कि कोई भी चमकीला वाला टाइप, ठीक है। पैंट डार्क, आपका से अच्छा शेड बन रहा है, ठीक है, लाइट डार्क। इसके लिए सर एक छोटी सी टिप मैं देना चाहता हूँ कि देखो भाई, एक ही बार की बात होती है, लाइफ टाइम इंटरव्यूज देने होते हैं, अभी नहीं आगे चल के भी तुम्हें जो है ना, तुम्हें काफी ढेर सारी कंपनीज के, जब तुम कंपनी सर्च करने जाओगे तो वहाँ पे मीटअप तुम्हें करने पड़ेंगे। एक फॉर्मल लुक अपना जो नहीं अलग से बना के रखो, जैसे कि हम लोग का है, हम लोगों ने फॉर्मल लुक बना करके उसको सेट बना के अलग से रहा, क्यों होता सर, याद है आप ही ने सर टिप दिया था, शनिवार सर आपने बताया था मेरे को, बताया था। गाइस मैं बता दूं कि मेरे जो ये दोनों लोग गुरु रह चुके हैं, इन लोगों ने बताया मेरे को, बकायदा सिखाया तक है। सो आई जस्ट वांट लेट यू नो कि तुम लोग भी जो ना अपना पूरा पूरा सेट बना के रख लो किनारे, ताकि जो है ना तुम्हें बार बार फिर अरे यार ये शूज नहीं है, वो नहीं है, ये ब्लैक टाई है, ब्लू टाई है, ये चमकीली टाई हो गई, एक ही बार की बात है यार, इन्वेस्टमेंट करके कर लो यार, और मुश्किल से 1000 रुपीज में तुम्हारा पूरा सेट तैयार हो जाएगा पूरा। अभी आपका जब प्रॉपर आप हो गए, बढ़िया आपका शर्ट पैंट टाई वगैरह सब कुछ रेडी है, ग्रूमिंग पार्ट पे आते हैं, बियर्ड आपका क्लीन से होना चाहिए। दे डोंट केयर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, आपका एक ट्रिमिंग नहीं, पूरा फुल आपका वेल सेव्ड होना चाहिए, और हेयर आपके साइड से कट छोटे होने चाहिए, बीच में भी छोटे ही होने चाहिए, ज्यादा ऐसे खड़ा करके जाना नहीं है उधर, ठीक है। ये हो गया आपके पूरा अपीयरेंस के ऊपर, आप वहां जाके बैठे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सुनो। आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, यू विल गो टू द इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो एक जो भी कैबिन हो जिसमें तुम जा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज यहाँ से मैटर करता है, आप एकदम बढ़िया से जा रहे हो, सीधा सीधा जाके गेट खोल रहे हो, मे आई कम इन सर, एंड देन उसके बाद जो भी आपका ग्रीटिंग होता है, टाइम बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आफ्टरनून का टाइम होता है ना, तो 12 से 12 बज चुके हैं, उनको पता नहीं है 12 बज गया, तो वो गुड मॉर्निंग बोल दे रहे, सीधे सीधे निगेटिव, सीधा सीधा नीचे जा रहे हो तुम, प्रॉपर टाइम देखे जा रहे हो, खोल रहे हो गेट तो बंद नहीं कर रहे अच्छे से, एक तमीज एक लहजा होता है चीजें। एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, जहां पे तुम बैठे हो ना, एक्चुअली थोड़ा सा आसपास में अपनी नजर घुमा के भी देख लो क्या क्या चीज है। समटाइम दे आस्क कि तुम जहां बाहर बैठे थे वहां आसपास में तुमने क्या चीजें नोटिस की, ये चीज हो चुका है, इसलिए पंखे के ब्लेड भी यार, इवन पंखे के ब्लेड, तो ये सारी चीज हो गई। डोर कैसे बंद हो रहा है, कैसे खुल रहा है, क्योंकि जाने के टाइम तुम्हें खोल के खुद जाना है, तो वो चीज भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये हो गया, जाके वहां पे चेयर पे बैठना। अब तुम पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो, तो पोर्टफोलियो के लिए पूछ के रखना उनके टेबल पे, बैठना प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ये मैटर करता है। देन उसके बाद आपका सब कुछ स्टार्ट होता है, क्वेश्चनिंग वगैरह, स्टार्टिंग विद द नॉन टेक्निकल पार्ट, विद द इंट्रोडक्शन, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना, इन सब चीजों का। देन दे विल गो फॉर द टेक्निकल राउंड, देन दे विल गो फॉर योर ज्योग्राफिकल राउंड, देन दे विल गो फॉर द शिप नॉलेज। उन्होंने एडिशनल ये चीजें ऐड कर दी है, शिप नॉलेज, क्योंकि यू गाइज आर शोइंग योरसेल्फ सो पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, तो वो ये चीज ऐड कर दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद एट द एंड कुछ कंपनीज में, अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में दे आर गिविंग क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, तो ये जो कॉन्टेंट है ना बीच में, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट एंड ये सारी चीजें, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे कहीं पे भी, बट इनके प्रॉपर आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस चीज के लिए आई विल टेल यू कि प्लीज ज्वाइन आवर बैच, उसमें आपको हम लोग प्रॉपर गाइड करेंगे कि इनके आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, बी इट नॉन टेक्निकल, बी इट टेक्निकल, ज्योग्राफिकल एंड एज वेल एज शिप नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, एंड सब में एक्सेल करना है आपको। एंड एट द एंड आपको तो सिलेक्शन का जो न्यूज मिलता है ना, इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल मेक अस हैप्पी। जब आके ऐसे, मतलब बच्चे हमारे ना जब ऐसे सेलेक्ट होते हैं ना, तो दिस सेंड सेल्फी लाइक दिस, ऐसा कि सर हो गया, फोड़ के आया, ऐसे भेजते, तो इट मेक्स अस सो प्राउड ऑफ देम, ठीक है। तो ये चीज है, यही था इंटरव्यू का पूरा, स्टार्टिंग से लास्ट तक बता दिया।
दैट्स इट। और IMUCET भी हो गया आज तो, अच्छा खासा इनका नॉलेज बढ़ गया होगा आई गेस, बहुत ज्यादा सतांशु, बहुत ज्यादा। डू यू गाइस वांट द अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जाम फॉर्म्स और द मैरिटाइम इंडस्ट्री इन जनरल, या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? देन यू डेफिनेटली नीड टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल फॉर ऑल दिस स्टफ एंड मच मोर। वांट द बेस्ट नोट्स एंड मटेरियल फॉर IMUCET एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स? वांट डेली क्विजेस? और डू यू वांट योर डाउट्स अबाउट योर मर्चेंट नेवी करियर solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.